व्यापार मंडल भवन में वरिष्ठ व्यापारी निरंजन अग्रवाल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 25 सितंबर 2020 को मंडी बंद व चक्का जाम की तैयारी के लिए विचार विमर्श कर बंद को अंतिम रूप दिया गया। चंद्रेश जैन अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व अनिल रांका जिला संगठन मंत्री श्री गंगानगर ने अपने विचार रखते हुए नई रणनीति में राज्य सरकार को मंडी टैक्स नहीं देने और किसान संघों की अधिक से अधिक सहयोग करना और बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के बारे में व्यापारियों से आह्वान किया। मीटिंग में पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने क्रांतिकारी विचार रखते हुए कहा कि हमारे मतों से चुने जनप्रतिनिधियों को ताले में बंद कर पूछो कि आपने हमें उजाड़ने के लिए सरकार का साथ क्यों दिया है, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहेगी, हम दोबारा अंग्रेजों की औलाद के अधीन होने जा रहे हैं। इस मीटिंग में सुनील राठी सचिव व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष राधे मीणा, सह सचिव सरदूल सिंह चहल, पूर्व अध्यक्ष वेद गर्ग, हरजिंद्र रमाना, ओम बेनीवाल, अशोक मित्तल, सुदेश लेघर, जी के एस किसान संघ, गुरतेज सिंह बराड़ सहित अनेक व्यापारी, मजदूर व तोला भी शामिल। हाँ जी पवन दुग्गल जी, ये बताएं आप, आज मीटिंग हुई है 25 को बंद की, उस संबंध में बताएं आप। 25 तारीख को तमाम किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद के तहत गढ़साना के व्यापार मंडल में आज मीटिंग हुई है। हमारे तमाम व्यापारी किसान मजदूरों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के योगदान देने के लिए तीनों के कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 तारीख को पूरे रूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम नेशनल और स्टेट हाईवे को पूर्णतः बंद करेंगे। मंडी हमारी पूर्णतः बंद रहेगी, जिसमें रावड़ा 65, गढ़साना और अनूपगढ़ और रामशिवपुर शामिल है, और ये जो चक्का जाम है ये राष्ट्रीय आह्वान के ऊपर है, और जब तक राष्ट्रीय कॉल नहीं आएगी तब तक ये अनिश्चित काल के लिए बंद रखा जाएगा।